नमस्कार मित्रों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ मेलाज्मा या छाइयों की। जो हमारी माताएं बहनें हैं जो कि अक्सर इससे सफ़र करती हैं कि छाइयाँ आ गई उनके चेहरे के ऊपर, दाग धब्बे आ गए हैं और वो सोचती हैं कि अब इसके कैसे इनको हटाया जा सकता है। वो घर में अलग अलग तरह के उपटन लगाती हैं या कई चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, नींबू रगड़ती हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। मेलाज्मा यानी मास्क ऑफ प्रेगनेंसी, ये फीमेल्स के अंदर ज़्यादा पाया जाता है बट मेल्स के अंदर भी देखा जा सकता है और दो प्रकार के होते हैं, या एपिडर्मल या डर्मल। एक तीसरी प्रकार का जो कि मिक्स्ड मेलाज्मा होता है वो भी पाया जाता है। अब इसके लिए क्रीम्स होते हैं जो कि अगर लगाए जाएं तो इनको लाइटन कर सकता है। इनके लिए ओरल मेडिसिन होती हैं जो कि अंदर से कलर प्रोडक्शन को डिक्रीज करती हैं थोड़ा, और आजकल हमारे पास पील्स हैं या लेज़र्स हैं जिनके माध्यम से बहुत हद तक हम इनको कम कर सकते हैं। धूप से बचाना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप धूप में जाती जाएंगी तो आपका जो डार्क कलर है जहां वो बन रहा है वो और बनेगा। अगर आप किस तरीके का भी ट्रीटमेंट ले लें, क्रीम्स लगा लें, लेज़र भी करा लें और फिर भी आप धूप में जाती हैं तो ये वापस मुड़कर आ सकता है। तो मेंटेनेंस इज़ समथिंग जो कि रिक्वायर्ड है एक बार अगर आप मेलाज्मा का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आपका डॉक्टर आपको बताएगा जो ट्रीटिंग डर्मेटोलॉजिस्ट है कि किस तरीके से आपका मेलाज्मा कम करा जा सकता है। आपको पील्स की या लेज़र की, जो कि आजकल हमारे पास क्यू स्विच लेज़र होता है, उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं, और इस तरीके से वो लाइटन करा जाएगा और उसके बाद आपको मेंटेनेंस थेरेपी पे रखा जाएगा कि अगर आप धूप से बचाती रहें, एक अच्छा सनब्लॉक लगाती रहें तो आपका मेलाज्मा कंट्रोल रहेगा। तो अगर आप मेलाज्मा यानी झाइयों से जूझ रही हैं तो एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें जो कि आपको बताएगा कि किस तरीके से वो आपको इससे छुटकारा दे सकता है। धन्यवाद।